हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर जी में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं यूजीसी की तरफ से इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो आपको बता दें, यूजीसी का निर्णय सोमवार को विश्वविद्यालय जी का सोमवार को विश्वविद्यालय के परीक्षा रद्द करने की याचिका पर सुनवाई के लिए एससी कोर्ट जी गाइज अर्थात सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि कल की डेट में सोमवार है, कल 10 अगस्त है, तो कल अपनी सुनवाई जारी करेगा। फिलहाल आपको बता दें कि जो लंबित मामला चल रहा था उसका निपटारा कल कहीं ना कहीं हो जाएगा। हालांकि 10:30 से नियर अबाउट आपकी जो भी है याचिका स्टार्ट की जाएगी। आज की डेट की ये लेटेस्ट अपडेट आप देख पा रहे होंगे क्या है पूरी बात। यहाँ पर जो भी बातें हैं उससे कन्फर्म होता है कि फाइनल ईयर की परीक्षाएं रद्द की जा सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर सीधे शब्दों में लिखा है कि सोमवार को जो भी परीक्षाएं होंगी जी गाइस, सुप्रीम कोर्ट कल यानी कि सोमवार को कॉलेज और विश्वविद्यालय की परीक्षाएं रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करेगा। आपकी जो है एग्ज़ाम रद्द हो जाएंगी या रद्द होंगी कि नहीं, कल इसका डिक्लेयर फैसला हो जाएगा। अब तक जी गाइस, अब तक जो भी हुआ वह सब आप सबके सामने पता है, यहाँ पर आप जाकर के डिटेल देख सकते हैं। फिलहाल थोड़ी सी ज़रूर हम नज़र डालेंगे आप सभी की कि क्या दलील थी, क्या उसकी अपील हुई और क्या उसका अभी तक फैसला आया। तो 31 छात्रों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें विश्वविद्यालय के लिए अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित करने का अनिवार्य कर दिया गया था। दिशा निर्देश ने शैक्षणिक संस्थानों की ऑफलाइन या ऑनलाइन मिश्रित मोड में परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दे दी गई थी। हालांकि कोविड-19 की सिचुएशन में जो भी तनावपूर्ण स्थिति थी, वो कहने का मतलब छात्रों को लेकर के काफ़ी तनाव भरा माहौल था, लेकिन परीक्षा न कर देने किसी गए छात्रों की यही मांग थी कि हम परीक्षा नहीं देंगे। फिलहाल ऑनलाइन परीक्षा देने का अतिरिक्त दबाव जो तकनीकी खराबी की चपेट में है, रद्द करने की मांग के लिए उद्धृत कारणों में से कुछ हैं। तो क्या है कारण, आपको कुछ कारण बताते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि सही मामले में अपने देश में ऑनलाइन की अगर बात करें तो हमारे पास आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ऐसे में एग्ज़ाम ऑनलाइन हो पाना बिल्कुल मुश्किल है। आपको बता दें, पिछले कुछ सालों में जी गाइस ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था, आप याद करेंगे तो काफ़ी लोग एग्ज़ाम दिए भी होंगे। तो ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था, एक महीने में कंडक्ट कराया गया था और बच्चा था उत्तराखंड का पेपर देने जा रहा था, जम्मू कश्मीर बच्चा था उत्तर प्रदेश का पेपर देने जा रहा था, छत्तीसगढ़ झारखंड, इतने दूरी दूरी पर आपका जो है पेपर भेजा गया था, पेपर एग्ज़ाम कराया गया था। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अपने उत्तर प्रदेश या जो भी स्टेट है वहाँ पर अवेलेबल होता तो हम जो है दूसरे स्टेट पर इतने दूर नहीं भेजे जाते। और जो भी 1 करोड़ की संख्या थी, लगभग जो एक महीने का वक्त लगा, वो कहीं ना कहीं 10 या 5 दिन में परीक्षा कराई जा सकती थी। तो इससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि देश में जो भी स्थिति सिचुएशन है ऑनलाइन एग्ज़ाम को लेकर के बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि कुछ ही इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और जो भी IITians कॉलेज हैं वहीं पर कंप्यूटर लैब CS की जो भी स्टूडेंट हैं उन्हीं तक कंप्यूटर लैब है। अगर बात करें इंटर कॉलेज की, तो इंटर कॉलेज में ढंग से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होते कंप्यूटर से एग्ज़ाम करा पाना, या फिर ग्रेजुएशन में बात करें तो ढंग से यहाँ प्रैक्टिकल नहीं हो पाते तो कैसे यहाँ पर एग्ज़ाम हो पाएगा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। फिलहाल छात्रों ने इन्हीं बात को लेकर के अपना याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में कि सिचुएशन है, हम बिल्कुल एग्ज़ाम देने के मोड में नहीं है, अर्थात ये सिचुएशन एग्ज़ाम देने के लिए हमें बिल्कुल इजाज़त नहीं दे सकती। तो इसी बात का उन्होंने अपना जो है याचिका दायर किए थे, उसमें कई छात्र थे, 31 छात्र, यश दुबे के छात्र और बहुत कृष्णा बागमारे बहुत से छात्र थे और वो अपना अपील दायर किए हुए थे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को लेकर के। फिलहाल मॉक टेस्ट के लिए अपने परीक्षा पोर्टल तक पहुंचने में कठिनाई की सूचना दी थी, जिसे सोशल मीडिया पर कई लोगों ने साझा किया, जिसे ऑनलाइन एंड ईयर परीक्षा जी गाइस एंड ईयर की परीक्षा अर्थात लास्ट ईयर की परीक्षा और अधिक घबराहट हुई। जुलाई में नकली परीक्षाओं की अवधि के दौरान DU के छात्रों और शिक्षकों ने सही क्रेडेंशियल प्रदान करने के बावजूद साइन इन करने में कठिनाई की रिपोर्ट करने के लिए ट्विटर पर लिया था। गलत तरीके से अपलोड किए गए प्रश्न पत्र के बारे में भी लिखा था। आपको जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बात करता चला आया हूँ, DU में काफ़ी खराबी होती चली गई। वहाँ पर जो कॉमर्स का छात्र था उसे BA का पेपर मिल रहा था और जो BA का था उसे BSc का पेपर मिल रहा था, तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी। इसी मांग को उठाने के लिए अधिक छात्रों और शिक्षकों के निकायों को शीर्ष अदालत में ले जाने की सूचना है। तो आपको बता दें कि यही सारी बातें थी, इसमें काफ़ी लोग थे। अगर बात करें तो पंजाब सरकार शामिल थी और उसके बाद महाराष्ट्र सरकार भी थी, दिल्ली सरकार भी थी,
तो कहीं ना कहीं पंजाब सरकार ने केंद्र से जो फैसला हुआ था UGC की तरफ से उस पर पुनर्विचार करने का आग्रह भी किया था। इसके तुरंत बाद महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने युवा सेना द्वारा दायर एक अलग से याचिका भी दायर की गई जो केंद्र के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चले गए, अर्थात उन्होंने सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट का ही रुख किया था और सुप्रीम कोर्ट में ही अपना याचिका दायर की थी। गाइस, UGC कहीं ना कहीं छात्रों को लेकर के काफ़ी मनमाना सवाल कर रही है, अर्थात काफ़ी मनमाना कर रही। छात्र इस समय ऐसी मुसीबत में है, वो एग्ज़ाम नहीं दे सकते। फिलहाल 640 विश्वविद्यालयों में से 454 विश्वविद्यालय ने या तो परीक्षा आयोजित करा ली या फिर वो संचालित करने की योजना बना रहे हैं। और काफ़ी यूनिवर्सिटियाँ, जैसा कि DU की बात करें तो DU कल की डेट में एग्ज़ाम कराने जा रहे हैं। OBEG गाइस, ओपन बुक एग्ज़ाम की बात कल जो है DU कराएगी। फिलहाल कल ही फाइनल फैसला दिल्ली हाई कोर्ट का भी आएगा, सुप्रीम कोर्ट का। तो ऐसे में देखना है कि आज सभी छात्रों को एग्ज़ाम कराया जाएगा या फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार किया जाएगा। गाइस, कल की डेट में काफ़ी जो है बड़ा फैसला आएगा छात्रों के हित में, फाइनल ईयर के छात्रों के हित में। हालांकि आप सभी को पता है जो भी बातें हैं हमने ओपन हार्ट आपको बता दिया। काफ़ी वीडियो में मैंने आपको यही सारी बातें बता रहा हूं। UGC सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है, मसला है, दोनों में आपस में काफ़ी जो है मसला, या कहें कि कुछ चीज़ें जनरल UGC की तरफ से तुषार मेहता के द्वारा भी पेश की गई, उसमें उन्होंने कहा कि एग्ज़ाम हर हाल में कराया जाना चाहिए। आज की होम मिनिस्ट्री की जो भी, जैसा कि 7 तारीख को थी, लेकिन अमित शाह जी COVID-19 के शिकार होने की वजह से अभी तक हालांकि कोई आधिकारिक या फिर कहें कि ऑफिशियल नोटिस नहीं दे पाए। फिलहाल कल ही जो भी फैसला देंगे तुषार मेहता जी, उसी पर सुनवाई की जाएगी। तो ये कल के डेट में ही डिक्लेयर हो पाएगा। गाइस कल फाइनल फैसला आपका सुना दिया जाएगा, हो सकता है आपका एग्ज़ाम रद्द करा दिया जाए। हालांकि अगर आज BEd की बात करें तो BEd की आज जो है एग्ज़ाम सुचारू रूप से हो गई। हालांकि काफ़ी लोगों ने परीक्षाओं को अटेंड किया और काफ़ी लोगों ने छोड़ा है। कल की डेट में डिक्लेयर हो पाएगा कितने लाख बच्चों ने एग्ज़ाम को छोड़ा है या फिर पूरी तरीके से एग्ज़ाम सभी बच्चों ने दिया। तो गाइस, ये थी बात इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। हालांकि विश्वविद्यालय की तरफ से कल जैसा कि आपका डिक्लेयर फैसला सुना दिया जाएगा, तो जैसे ही कल कोई फाइनल फैसला आपके लिए आएगा तो हम आपके वीडियो के जरिए ज़रूर आप तक लेके आएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए नोटिस नए गाइडलाइन के साथ। थैंक यू लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।